दिल्ली के लक्ष्मी नगर किशन कुंज में एक कारोबारी के घर में हुई चोरी, चोरों ने 27 लाख और 500 ग्राम सोने पर किया हाथ साफ। भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के समर्थन में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता निर्माण विहार प्रदर्शन करने पहुंचे थे, मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने लिया हिरासत में। मयूर विहार डीएनडी फ्लाई ओवर के पास ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची, ग्रेनेड को लिया कब्जे में। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया आखिरकार ग्रेनेड कहां से आया। थाना सेक्टर 20 की पुलिस द्वारा 15,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार, जो जनपद के कई थानों से वांछित भी चल रहे हैं, लूट जैसी घटनाओं में शामिल थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 1 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। थाना सदर बाजार इलाके में पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति ने बदले की आग में पत्नी के प्रेमी को सरेरा चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार डाला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पालम इलाके से 3 सातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 3 असला, 27,000 रुपए नकद बरामद। आरोपी की पहचान वकील वसीम उर्फ लंगड़ा और तंजीर उर्फ फिल्मी के नाम से हुई है। पीएस सुल्तानपुरी के स्टाफ ने एक जुआ रैकेट का किया भांडाफोड़, साथ ही किंग पिन विक्की सहित 4 जुआरियों और 4,020 रुपए सट्टे की पर्ची सहित किया गिरफ्तार। केजरीवाल के सरकारी स्कूल दे रहे हैं प्राइवेट स्कूलों को मात, इसलिए हर साल हजारों की तादाद में बच्चे नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में ले रहे हैं दाखिला। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान दिल्ली राजकीय उच्च माध्यमिक आवासीय स्कूल इस्सापुर का पीडब्ल्यूडी एससीएसटी विभाग के अधिकारियों के साथ किया दौरा। पुलिस चौकी सेक्टर 21D की टीम ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 240 ग्राम गांजा हुआ बरामद।